तो फिर जो है चंदन हमारे प्रकृति की इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसे कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आपने यूज जरूर किया होगा, चाहे मैं बात करूं अगरबत्ती की, चाहे मैं बात करूं धूप स्टिक्स की जो कि चंदन के नाम से ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, चाहे मैं बात करूं चंदन के पाउडर के बारे में, चाहे मैं बात करूं चंदन के ये अतर के बारे में जो कि मोस्ट फेमस है, और बात करूं तो मैं एसेंशियल जो कि काफ़ी सारे थेरेपीज मेडिटेशन फ्रैगनेंस चीज़ों में यूज़ की जाती हैं, चाहे मैं बात करूं आर्टिफिशियल परफ्यूम्स डीओ के बारे में, चाहे मैं बात करूं हमारे अगरबत्ती में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला चंदन परफ्यूम्स के बारे में, या फिर मैं कहूं चंदन की स्टिक्स जो कि हमारे घरों में पूजा के लिए और काफ़ी सारी ऐसी वैदिक संस्कृति में इसका जो है उपयोग आदिकाल से होते आ रहा है। तो फिर ये है हमारे चंदन के अनगिनत फ्रैगनेंस के स्रोत जो कि लोग अलग अलग तरीके से जो है यूज करते ही हैं, आपने कभी ना कभी किसी ने किसी तरीके से यूज किया ही होगा, चाहे अगरबत्ती की बात करें, चाहे धूप स्टिक्स और जो है अतर इसेंशियल ऑयल पाउडर्स परफ्यूम्स और जो है स्टिक्स। लेकिन जो है आज हम इन सारे कैटेगरीज को जो है कवर तो नहीं कर पाएंगे, और खासा हमारे अगरबत्तियों जो है अगरबत्ती धूप के बारे में चंदन जो फ्रेग्रेंस है इससे तो बात करते ही रहते हैं। आज जो है हमारा ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, यही थी चंदन की महानता, चाहे आप इसे चंदन कहें, सैंडल कहें या फिर सैंडला कहें। और आज का हमारा ये टॉपिक जो है थोड़ा यूनिक होने वाला है, क्योंकि चंदन के इतने सारे कैटेगरीज हम रखे हुए हैं और काफ़ी सारे कैटेगरीज के ऊपर तो हमेशा बात होती रहती है, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे धूप हो, चाहे जो है हमारा ये चंदन का परफ्यूम हो। फिर जो है वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, और सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में थोड़ी सी जो है बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे यूनिक मोस्ट वर्ल्ड फेमस जो प्रोडक्ट है ये है हमारे पास सैंडला, जो कि अतर है और ये प्योर एसेंशियल मतलब जो है वुड बेस, सैंडल वुड बेस से निकाला हुआ एसेंशियल ऑयल्स हैं जिसे हम अतर के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में भी एक वीडियो ज़रूर होनी चाहिए, और मेरी ये खासा पसंद थी, मतलब मैं काफ़ी दिनों से जो है अलग अलग वेंडर के थ्रू इनके जो डिटेल्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करता था कि कौन जो है अच्छी क्वालिटी में ये मुझे प्रोवाइड कर दिया, और ये काफ़ी कीमती है। तो इसके फ्रैगनेंस के बारे में हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये खूबसूरत और एक ख़ास चीज़ों के लिए एक अच्छा टाइम होना चाहिए, और ये टाइम जो है मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है, और इसके बारे में एक नए दिन की शुरुआत इसी से करेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। तो आज इसके बारे में जो है हम बात नहीं करेंगे, और कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल है, बेस एसेंशियल ऑयल है ये, इसके बारे में भी थोड़ी सी टाइमिंग प्रोसेस में बात करेंगे। एक नई और नायाब चीज़ें हैं धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत जो कि पूजा पे और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों पे जो है यूज़ किया जाता है। तो आज जो है सबसे पहले हम इस स्टिक के बारे में जान लेते हैं, जो कि मेरे पास अभी मोस्टली वेट में इसकी बात करूं कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में ये हमें जो है रिसीव्ड हुई थी, इसे रखते हैं साइड में। और इसकी वेट की मैं बात करूं तो एवरेज ये 150 ग्राम से बीच 200 ग्राम एवरेज होगा, अभी छोटे स्लैश मशीन नहीं है हमारे पास, तो इसका लगभग लगभग इतना वेट है। और ये प्योर जो है सैंडल वुड की जो है स्टिक्स आपको ये दिख रही है, फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी दिख रही है, जैसा कि देख रहे हो थोड़ा सा चिकनापन इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें किसी भी तरीके की पॉलिशिंग नहीं की गई है। ज़्यादातर आप देखे होंगे तो आर्टिफिशियल्स जो स्टिक्स होते हैं जो कि लोकल मार्केट्स में आपने देखे भी होंगे कभी ना कभी, जो चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन वो ओरिजिनल होता नहीं है। और अभी हमारे पास है ये ओरिजिनल, मतलब सैंडलवुड की जो पेड़ से निकलने वाला जो टुकड़ा होता है, ये इसी तरीके से ये स्टिक्स जो है हम रखे हुए हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसके वेट की, तो लगभग लगभग ये 150 से लेकर 200 ग्राम तक का इसमें वेट जो है मेरे ख्याल से लग रहा है। और इसी के साथ इसका फ्रैगनेंस जो है एक बेसिक सैंडल का जो खुशबू होता है, मतलब फ्रैगनेंस होता है, उसी तरीके से आ रहा है, जो कि थोड़ा कम होता है। और जब इसे हम घिसें
और अभी हमारे पास कुछ अन्य एक्सेसरीज चीज़ें नहीं हैं जिसे इसका एक बेसिक ट्रायल लिया जा सकता था, और कभी समय मिलने पर वो भी करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें जो है आपको दिख रही होंगी, जो कि सैंडल स्टिक्स की जो है स्टिक्स, और इसी से जो है इनके बाई अलग अलग जो प्रोडक्ट्स जो है निकल के आते हैं, जिसे आप इस अतर के नाम से जानेंगे, या फिर इसी का एक बेस एसेंशियल ऑयल भी जो है निकाला जाता है, और आगे मैं बोलूँ तो इसी का जो है सैंडलवुड पाउडर जो है निकाला जाता है, जो कि हमारे अगरबत्ती इंडस्ट्री में इसका भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे ज़रूर, और आज के इस वीडियो में जो है इतना ही। और तो यही थी इस वुड की बेसिक नॉलेज जो कि मैंने आपके बीच शेयर की, और इसके और अनगिनत जो है फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं, और इसके ओरिजिनलिटी की पहचान भी आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से ओरिजिनल जो है माना जाए। इसकी जो खास स्पेसिफिकेशन है वो भी आप ज़रूर पढ़िए गूगल के थ्रू, आपको इनके सारे डिटेल्स या फिर जो है प्रोसेस मिल जाएंगे। और आगे हम बात करेंगे और जो है आगे हम बात करेंगे अतर के बारे में, और ये जो है इसके बारे में मैं काफ़ी जो है वेटिंग में था कि ये मुझे किसी जगह से अच्छी क्वालिटी में मिल जाए, और अभी तक मैंने ट्रायल नहीं किया है, और इसके लिए एक खास समय जो है निकालेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और मिलते हैं आने वाली किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।